सारी गर्ल्स होगी यहाँ पे और बहुत ही इंजॉयमेंट होने वाली है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहे, देखते हैं क्या क्या करेंगे, क्या खाएंगे और कितना सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही साथ मम्मी ये रहे जो कि सूप पी रहे हैं, और वहाँ पे शिवन वहाँ पर बैठे हैं वो भी सूप पी रहे हैं, मुस्कान भी है, ज़ारा हुसैन ज़ैबा दी गए हैं जैन को स्कूल से लाने के लिए। तो चलो पहले इंजॉय करते हैं सूप, फिर मिलते हैं। तो ज़ैबा दी के वहाँ मैं पहुँच भी गए, यहाँ पे हम लोग मम्मी सबको बांट रहे हैं सूप। वहाँ पे बैठे हैं शबनम आपा, वहाँ पर है दादी और ये रहे मम्मी, और पीछे है बच्चे पार्टी। ये है मेरा छोटू सा प्याला, मुझे वो दो शेव। क्यों नहीं है, ज़रूर है। हुसैन ज़रा हाय कर, हुसैन बड़ा प्यारा लग रहा है आज। तो यहाँ पे किटी पार्टी के लिए सारे बर्तन भी ज़ैबा दी ने ऊपर से निकाल दिए, सारे ग्लास के हैं, सारे ग्लासेस निकाल दिए हैं, कांच की प्लेटें आए, सॉरी गाइस मुझे इसकी आ रही है, और सारे कांच की ग्लासेस हैं। तो चलो देखते हैं कब पब्लिक आती है और कब किटी पार्टी होती है, कब इंजॉय होता है। मैं किचन में बुरखे में, यहाँ पे आपा हवा खाते हुए मस्त में, और यहाँ का व्यू देखो गाइस, मुझे एक तो हिचकी आ रही है इतनी, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और आए हैं अम्मा लोग, जरीना खाला, फिरोजा खाला, अम्मा लोग, यल्ला मिलने दो, मिलने दो। मुस्कान मुन्ना नहीं, मुस्कान मुन्ना नहीं, इधर भी हाय कर दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, अम्मा यल्ला यल्ला। सबको चॉकलेट मिल रही है 5 स्टार। हाय खाला, अच्छा अच्छा अम्मा यहाँ क्यों बैठे हैं? मानी हाय, ये भूत है यहाँ पे, भूत को अम्मी हाय करो, ऐसा हाय करो, हाँ देखो देखो सब लोग हाय कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी लेडीज आ चुकी है, ये एक लेडीज भूत यहाँ पे घूम रही है। हाय कर, बोल हाय फ्रेंड्स, बोल हाय, बोलता ही नहीं सिर्फ हाय करता है। यहाँ पे हमने सबके लिए मंगाए थे चाइनीज़ पकौड़े जो कि बहुत ही फेमस है, तो हम लोग जितने भी जनते यहाँ पे लेडीज़ में सब खाने वाले सबसे पहले चाइनीज़ पकौड़े जो कि बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, तो ये रहा मेरा और मुस्कान का और साथ ही साथ शिवन पापा का। मैं और मुस्कान अपना भजिया इंजॉय कर रहे हैं, बाहर मेहमान आए थे तो हम लोग गेट्स पे अंदर आ गए, और सारे साथ हम लोग ने यहाँ पे मंगाया था वेफर मीठा चूड़ा और ढेर सारी मिठाई और येलो केक जो कि बहुत ही मज़ेदार सी लगती है खाने में भी, और ये मिठाई मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए भी इसे भी इंजॉय करते हैं, और साथ साथ मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी, बिना चाय के तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। तो ये रही चाय आधी जिनको मैंने दे दी थी, और ये रही हम लोग सबकी चाय। और यहाँ पर फिर ज़ैबा दी ने ऑर्डर किया था पार्टी में हम लेडीज़ के लिए दाल गोश्त,
मटन का दाल गोश जो कि बहुत ही डिलीशियस था, हम लोग भटियारा से ही ऑलमोस्ट खाना मंगाते, तो देखिए ये कितना ज़्यादा मज़ेदार सा लग रहा है। तो चलिए अभी इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और बाकी सब खाने बैठेंगे फिर। और ये रहा दाल गोश के साथ साथ यहाँ पे चावल, ज़ीरा बघारा हुआ चावल था जो कि खाने में बहुत ही मज़ा आती है ग्रेवी के साथ। तो चलिए अभी इसे भी सर्व करते हैं, जल्दी जल्दी सबको सर्व करते हैं बिकॉज सबको बहुत भूख लगी होगी। तो यहाँ पर सर्विंग के लिए हम लोग एक पहले नानी लोगों को तो पार्सल करेंगे बिकॉज नानी कभी भी मामू के बिना खाना नहीं खाते, तो उनका पार्सल देंगे और फिर हम लोग सब खाने बैठेंगे। तो ये हो रहा था नानी का पार्सल खाना बिकॉज अभी नानी लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे पहले जैबदी दाल गोश निकाल रहे थे उनके लिए एंड देन फिर हम लोग चावल निकाल के पार्सल कर लेंगे। तो नानी लोग के लिए खाना बन चुके हैं, तो चलिए अभी नानी लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे नौशीन ऑलरेडी बुरखा पहन के रेडी हो चुकी है, तो चलिए अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं, बाय बाय कर देते हैं। इंशाल्लाह फिर से इसी तरह हम पार्टी करेंगे, सब लेडीज़ पार्टी मिलेगी। तो मामू ने लेने आ गए थे नानी को, तो चलिए अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं इन्हें। टाटा अभी तक आई नहीं लिफ्ट, आई आई लिफ्ट आई। मम्मी तुम भी जा रहे हैं? तो चलिए नानी लोग तो जा चुके, तो चलिए भी हम लोग भी खाना खाने बैठ जाएंगे। जो बची कुछ हमारी लेडीज़ बची है, अम्मा लोग भी जा चुके थे खाना खा के, तो मैं अभी ये सारी चीज़ें दस्तरखान पे रख दूँगी। दाल ऑलरेडी चावल तो ज़ैबदी ने निकाल दिए थे, अभी दाल गोश भी निकाल देंगे और फिर दस्तर अच्छी तरह से भी जा के हम लोग खाएँगे खाना। तो यहाँ पे मैंने दस्तर अच्छी तरह से सजा दी थी, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं प्लेट्स एंड जो भी खाने की चीज़ होती है वो ला के रखती, तो ये रही थी मैं। और जब मैं यहाँ पे शूट कर रहे थे तो मैंने सारे चावल और दाल गोश ला के रख दी थी। तो अभी हम लोग ज़्यादा जन नहीं बचे थे, सिर्फ मैं, मुस्कान, मम्मी, ज़ैबदी और शबनम फ़तेह और भाभी थे, बाकी लेडीज़ तो चली गई थी। तो चलिए अभी हम लोग खाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त था, दिखने में कितना ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहा है, इसे खाने में कितनी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और हम लोग की किटी पार्टी में हम लोग ने खूब इंजॉय किए, खूब सॉन्ग लगाए, थोड़े बहुत हम लोग ने डांस भी किया और बहुत इंजॉय किए, गेम्स खेले, सब खेले, बट उसकी मैं शूट नहीं कर पाई। तो आप भी इस तरह से घर लेडीज़ की दावत दीजिए, किटी बनाएं, किटी पार्टी बनाएं, जो भी पार्टी आप लोग इसे बोल सकते हैं, लेडीज़ को बुला के इंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, बहुत मज़ा आती है। पर इस बार मेरी बेस्टी नहीं आ पाई बिकॉज वो कहीं घूमने कहीं भी थी इसलिए वो नहीं आई। तो बस हम लोग बहनों ने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े किए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और देखते हैं अभी हम लोग कहाँ कैसे क्या करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्टी भी हम लोग अभी से रखेंगे। तो चलो सबको टाटा कर देते हैं, जाते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय जैन। गाइज हम लोग किटी पार्टी करके आ चुके हैं नीचे, ज़्यादा बड़ी ब्लॉग नहीं बनी, मिनी ब्लॉग ही बनी। तो आप लोग भी अपने घर पे गर्ल्स पार्टी कीजिए, मतलब चाहे लेडीज़ हो गर्ल्स हो, जिसको बुलाना है बुलाए, इंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। और मुझे ज़रूर बताना आप लोग को मेरी ब्लॉग कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी के साथ मिलूंगी मैंने और भी फैमिली ब्लॉग्स के साथ, फैमिली मस्ती के साथ, किटी पार्टी के साथ और जो भी पार्टी आप लोग बोल सकते हो उसके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।